नमस्कार दोस्तों, वर्ष 2000 का समय है जब यूरोपीय यूनियन वाले देशों के विनियमों के तर्ज पर भारत में भी एक नियम लागू किया गया जो कि पर्यावरण तथा मोटर वाहनों के इंजन से संबंधित था। जी हां दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उस नियम के बारे में जो कि हर बार अनेक चरणों में लागू किया गया है और इससे पर्यावरण को बहुत फायदा हुआ है और यह संबंधित है हमारे रोजमर्रा से, यानी कि जो हम लोग व्हीकल वाहन गाड़ी चलाते हैं उनसे यह संबंधित है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस नियम के बारे में बात करने वाले हैं वह है भारत स्टेज उत्सर्जन मानक, यानी कि BSES, जिसको हम लोग शॉर्ट में BS यानी भारत स्टेज कहते हैं। यह जो है मूलतः संबंधित है वाहनों के धुएं से निकलने वाले प्रदूषित पदार्थों से। तो BSES जो है वह भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक है जो वाहनों के इंजनों से निकलने वाले प्रदूषकों की मात्रा का विनियमन करता है। इसके अंतर्गत वाहनों के धुएं में उपस्थित प्रदूषकों की मात्रा में कमी को समय सीमा का निर्धारण किया जाता है जिसे सभी वाहन निर्माता कंपनी अपनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो है भारत स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, भारत स्टेज 4, अभी वर्तमान में भारत स्टेज 6 चल रहा है और यह हर बार लागू किया जाता है ताकि जो है जो प्रदूषित पदार्थ निकल रहे हैं व्हीकल के साइलेंसर से, पेट्रोल के जलने से, उसको कम किया जा सके। BSES का नियंत्रण एवं समय सीमा का निर्धारण पर्यावरण और वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। भारत स्टेज यानी वही BSES, उसी को हम लोग भारत स्टेज के भी नाम से जानते हैं। भारत स्टेज के नियमों का एक निश्चित अवधि में समीक्षा किया जाता है और इसे दिनों दिन सख्त किया जाता रहा है। इसके अंतर्गत कई चरणों में इस नियम को लागू किया गया। अब जैसा कि आप लोग को बता दें कि सन 2000 में इस नियम का विनियमन किया गया यूरोपीय संघ के देशों की देखे, क्योंकि वहां यूरो 1 यूरो 2 लागू है, तो यहाँ BS1 BS2 लागू किया गया। तो इस तरह 2000 में इसको किया गया, लेकिन मूलतः देखा जाए तो इसको देश में 2010 से अपनाया गया। 2010 में भारत स्टेज 3 लगाया गया उत्सर्जन मानक का नियम और इसको पूरे देश में लागू किया गया और इसके द्वारा वाहनों के जो धुएं में प्रदूषक हैं उनकी मात्रा को कम करने की कवायद शुरू की गई। ठीक उसी समय अर्थात अप्रैल 2010 में ही भारत के 13 प्रमुख शहरों में BS4 भी लागू कर दिया गया था, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बड़े शहरों में प्रदूषण की बहुत ज्यादा लेवल हाई होता है। तो जब पूरे भारत में BS3 लगाया गया उसी समय, ठीक उसी साल 2010 में लगभग 13 जो प्रमुख शहर हैं, महानगर हैं जो भारत के, उनमें स्टेज 4 लागू कर दिया गया था। और ठीक 2010 के 7 साल बाद यानी कि लगभग 2017 में स्टेज 4 पूरे देश में लागू किया गया। अब बात करते हैं भारत स्टेज 5 के बारे में जो कि लागू ही नहीं हुआ। क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनको ये जो इस पे विचार किया गया तो पता चला कि बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, इस कारण स्टेज 5 की जरूरत नहीं थी, अब डायरेक्ट स्टेज 6 लगा दिया गया। प्रदूषण की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि BS6 2020 में लागू होना था लेकिन उसे 1 अप्रैल 1919 में ही लागू कर दिया गया। आज पूरे देश में BS6 यानी भारत स्टेज 6 उत्सर्जन नियमन का पालन होता है, सभी वाहनों में इसका पालन किया जा रहा है। इससे प्रदूषण में दिनों दिन गिरावट आती जा रही है और जो निकलने वाले प्रदूषक पदार्थ हैं उनके उत्सर्जन में भी कमी आई है। क्योंकि देखिए, जब भी यह नियम लगेगा भारत स्टेज 1 स्टेज 2 जैसे अभी BS6 चल रहा है, तो इस नियम में कम से कम प्रदूषक पदार्थ के उत्सर्जन पर ध्यान दिया जाता है कि बहुत ही कम उसका उत्सर्जन हो सके। इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और जब भी हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों जो वाहनों का मूल्य है यानी कि जो वृद्धि है इनके दामों में वह हो जाती है। यानी यदि आप कोई गाड़ी जो है यदि आप लेते हैं स्टेज 4 का, तो स्टेज 4 का दाम
कम होगा, और वहीं आप स्टेज सिक्स कर लेते हैं तो उसके अपेक्षा इसका दाम ज्यादा हो जाएगा। यानी नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिस कारण से हर स्टेज में जो गाड़ियों का दाम है यानी वाहनों का दाम है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, जो कि मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विचारों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।